नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आखिरकार आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि इंडियन आर्मी में MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की वैकेंसीज का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ साथियों, इसका नोटिस यहाँ पर आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इसमें आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ की हाइट कितनी रहेगी, इसके साथ ही इसमें आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, 10th या 12th, और यहाँ पर आपकी एज लिमिट इसमें कितनी रहती है, इसके फिजिकल में क्या क्या करवाया जाता है, ये सभी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आप इंडियन आर्मी में परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, परमानेंट वैकेंसी होगी, इसके द्वारा आप परमानेंट इंडियन आर्मी में भर्ती होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना स्टार्ट करता हूँ, ये है इंडियन आर्मी MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विस का शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से जारी हुआ है। इसमें यहाँ पर ये 19 मई 2023 को जारी हुआ है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2023, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये 2023 की रिक्रूटमेंट है इंडियन आर्मी में MES की, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की। दोस्तों, MES के द्वारा इंडियन आर्मी में अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे जाते हैं। वे पोस्ट कौन सी होती हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली पोस्ट होती है ग्रुप बी, दूसरी होती है ग्रुप सी, यानी कि दो तरह की पोस्ट होती हैं, ग्रुप बी की पोस्ट और ग्रुप सी की पोस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो मेन जो पोस्ट होती हैं वो नंबर वन पर आप देख सकते हैं सुपरवाइज़र और स्टोर ऑफिसर, दूसरा यहाँ पर ड्रॉट्समैन, तीसरा स्टोर कीपर, चौथा मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की, और इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं मेट की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म जो फिल होने वाले हैं वो मेट की वैकेंसीज के होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी आई हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में सबसे नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, इस बार बम्पर वैकेंसी आपकी MES के द्वारा आई है, 7256 वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडियन आर्मी में MES के द्वारा आप यहाँ पर ज्वाइन होंगे, 7256 वैकेंसीज यहाँ पर इंडियन आर्मी ने निकाली हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वैकेंसीज के लिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ एज लिमिट के बारे में, यहाँ पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है, जो जनरल कैटेगरी की एज रहती है, वो रहती है 18 से 25 साल, जो नॉर्मल रहती है। हो सकता है इस बार कोरोना की वजह से 3 साल की छूट दे दी जाए, तो ये 18 से 28 साल हो सकती है। और यहाँ पर बात करें OBC की, तो OBC की वो 3 साल की छूट मिलती है, ये हो जाती है 18 से 28 साल, जो नॉर्मली रहती है। और थर्ड नंबर पर आते हैं SC ST, तो यहाँ पर SC ST को 18 से 30 साल। तो ये आपकी एज लिमिट रहती है सभी कैटेगरी का, मैंने आपको बता दिया, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी हाइट की, तो इसमें जो हाइट रहती है वो रहती है 165 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल हाइट रहती है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और यहाँ पर छूट भी आपको दी जाती है। ये छूट के बारे में आपको तब पता चलेगा जब इसका लॉन्ग नोटिफिकेशन आ जाएगा। बात करें यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर जो आपकी हाइट रहती है वो 155 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी जाती है। तो यहाँ पर अगर आपकी हाइट इतनी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। और जो मेन चीज़ पता चलेगी वो आपकी इसके लॉन्ग नोटिफिकेशन इसका जब आ जाएगा, जब पता चलेगी, जो बिल्कुल कन्फर्म होगी, तो तभी इसके बारे में मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, अभी लॉन्ग नोटिस जारी नहीं हुआ है, तो लॉन्ग नोटिस आते ही हम सबसे पहले आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अब बात करते हैं इसके फिजिकल और एग्ज़ाम के बारे में, इसमें पहले एग्ज़ाम होगा या फिजिकल होगा। तो दोस्तों, इस बार इसमें जो है आपका एग्ज़ाम पहले करवा लिया जा सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहना कि आपका पहले एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम इसमें पहले हो सकता है, तो एग्ज़ाम उसके बाद आपका फिजिकल, तो फिजिकल बाद में होगा, इसका पहले एग्ज़ाम आपका करवाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी तभी कन्फर्म होगा जब इसका लॉन्ग नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों
इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन में केवल वैकेंसीज के बारे में दे रखा है और ज़्यादा कुछ भी नहीं दे रखा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवाऊँगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी आपको अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।